अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। बेलगाम शहर में भी कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी पहचान मुल्की सतह पर हो चुकी है, लेकिन वो हमारी नज़रों से ओझल है फिलहाल। लेकिन हम आज पहली बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे बच्चों में एक बच्ची हमारे साथ जो मौजूद हैं, यामीन खानम, जो बेलगाम पंजी बाबा से हैं। आप देखिए किस तरह से ये मामला पेश आया हुआ है। 75 साल हुआ अमृत महोत्सव के मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की जानिब से ऐसे कॉम्पिटिशन रखी हुई थी, उसमें ये CBSE कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम से बच्ची यामीन खानम उसमें शरीक होती है। वो उसे ऐसे भी लिखती है, लेकिन जब उसको सिलेक्ट किया जाता है और दिल्ली को मधु किया जाता है तो भरोसा भी नहीं होता। लिहाजा सरकार की वेबसाइट पर इनकी नाम शाया की जाती है, फिर वो यहाँ से सीधा दिल्ली पहुँचते हैं हवाई जहाज़ से। हुकूमत की जानिब से पूरा इंतज़ाम किया जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद PM हाउस में वो रुकती हैं। PM हाउस में रुकने के बाद 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के परेड को में भी वो शरीक होती हैं। लिहाजा हमारे साथ वो आज मौजूद हैं। सब बहुत, आपने कम उम्र में इस तरह का काम अंजाम दिया है, बहुत बड़ी बात है बेलगाम वालों के लिए, फिर इस कौम के लिए भी ये बाय सब फ़ख्र बात है। क्या क्या हुआ, कैसे, आप पूरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यामीन है। संडे के दिन हमें दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची ऐसे कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हो चुकी है, फिर आपको 23 या 24 के दिन दिल्ली के लिए निकलना है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने सब डिटेल्स हमें शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। और फिर उन्होंने 24 जनवरी की टिकट कराई और हमें हवाई जहाज़ के द्वारा दिल्ली को बुलाया। हमें टिकट हुबली टू चेन्नई मिली, फिर चेन्नई टू दिल्ली मिली। हम 12:30 को दिल्ली पहुँचे, उनकी आर्मी हमें आके लेके गए होटल वेलकम IT सेक्टर 10 द्वारका। 25 जनवरी को वह हमें PM हाउस लेके गए थे। PM हाउस में बहुत सिक्योरिटी थी, वहाँ पे फंक्शन हुआ और पराक्रम दिवस के बारे में मोदी जी ने कहा और वहाँ के रिफ्रेशमेंट टाइम पर वहाँ के बड़े बड़े स्क्रीन पर हमारे जो बच्चे विनर्स थे उनके नाम दिखाए गए उस स्क्रीन पर। और 26 जनवरी के दिन सुबह परेड को लेकर गया था और अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया उधर पे। आप भी साथ में रहे बच्ची के, और आपने जो क्या क्या देखा, क्योंकि बेलगाम से इस उम्र में 8 स्टैंडर्ड की बच्ची यहाँ से वहाँ जाती है और उस मकाम तक पहुँचती है जहाँ पर PM हाउस में तुम्हें बिठाया जाता है और 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जाता है, तो आप एक बतौर माँ कितना फ़ख्र महसूस होता है, कैसे महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक खुदा की एक नेमत है मेरे बच्ची को स्कूल के तरफ से, उसके क्लास सर ने डाला था ये ऐसे कंपटीशन के लिए, मगर उसमें पूरी मेहनत मेरे बच्चे की, 7 सर डाले, 20 तारीख को डाले थे, एक दिन जाने के बाद 20 तारीख को कॉल आता है दिल्ली से रमेश सांगवान सर का, तो आने के बाद मैं चौंक गई कि मेरी बच्ची उतनी दूर जा पाएगी कि नहीं, यह सच है या झूठ है समझ के एक ही में। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये सच है मैम, आप ये करो बोल के बोले। फिर मैंने कहा तो आप सर जो भी आप उन्हें ये करे बोल रखे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मेरी बच्ची तो ऐसे लिखी थी सच है, मगर हम ना क्या गारंटी है कि आप हमें बुला रहे हैं बोल के मैंने उनसे क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला वेबसाइट के पर आपके बच्चे का नाम सुनिए, ऐसे पोएट्री और सेल्फी, सभी जो 25 बच्चों को चुना गया है बेलगाम शहर से आपकी बच्ची है कैंटोनमेंट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से बोल के बताया, फिर सही है बोल के। मैं जब स्कूल का नाम उन्होंने लिया तो मेरे को फ़ख्र महसूस हुआ, हाँ कि मेरी बच्ची सच में डाली थी तो आया इसका नंबर बोल के, जब मेरे को फ़ख्र महसूस हुआ तो मैं बहुत खुशी का महसूस की। फिर बाद में सबको पूछने मन नहीं फिर कचिंगा कहीं को जाती वो बोल के सब जने मेरे को मना करे, फिर सर उसके क्लास सर ने कहा मंजुना सर ने नहीं यहाँ हमें डाले थे मैडम तुम्हें जा के आओ, बच्ची छोटी उम्र में बच्ची हमारे स्कूल का नाम रोशन करे आप जाओ बोल के बोले। फिर उन लोगों ने टिकट का भी अरेंज किया,
तब भी मेरे को ये नहीं हुआ कि हम जा सकेंगे बोल के, तब भी मेरे को घबराहट होने लगे। होने के बाद भी उन्होंने बुलाया, फिर दोबारा मंगल के दिन निकलने से पहले फिर उन्होंने बुलाया, बुला के फिर हमें समझाया मुझे लेके जाओ बच्ची को। जब मेरे बच्ची की आँखों में आंसू देखे तो मेरे को हिम्मत बढ़ी कि मैं इसको ले कर जाना। वहाँ पर जाने के बाद बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, हुबली टू चेन्नई दिया, चेन्नई टू दिल्ली उन्होंने इंडिगो प्लेन का हमें टिकट भेजा था। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि माँ को भी कितनी खुशी हुई है। और यहाँ पर जो है यमीना खानम जो आठवीं कक्षा में पढ़ती है, एट्थ क्लास में, बेलगाम से पीएम हाउस तक जाती है, पीएम हाउस तक वहाँ पर पहुँचती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है उस इजलास में शरीक होते हैं। तो एक बात से फ़ख्र बात है बेलगाम वालों के लिए। और ऐसे कई सारे बच्चे जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन बेलगाम शहर से वहाँ तक पहुँचना ये एक बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि हमारे और भी कौम में जो भी बच्चे नुमाया कारनामा अंजाम देते हैं उसे इत्तेहाद न्यूज़ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।